उसमें भीषण आग लगी थी जी, बताइए। पावर हाउस के कैंपस के बाहर आग लगी हुई है। वो आग धीरे धीरे जो है कि पावर हाउस की तरफ बढ़ रही थी। हम टाउन में थे, हमको सूचना मिला, मैंने फायर ऑफिसर से बात किया, उन्होंने तत्काल जो है इस पर एक्शन लेते हुए तत्क्षण जो है कि दो फायर ब्रिगेड का गाड़ी जो है भेज दिए चुके हैं। अभी जो है कि अभी कंट्रोल में हो चुका है आग, अभी को हमारा कोई क्षति नहीं हुआ है। क्या कारण पता चल पाया है सर? और ये कैंपस के बाहर था, उधर घास वगैरह उगी हुई है और शायद फायर क्रैक के कारण आग लगने की संभावना है। तो सर बताया जा रहा है कि इधर जो तेल जो है उसका भी रिसाव होता है, इसकी वजह से ज़्यादा कुछ तेल के रिसाव से आग नहीं लगेगा। आग जब भी लगेगा तो कुछ उस पर चिंगारी होनी चाहिए और वो जो है कि आप फायर क्रैक्स होगा या जो अभी डालिया बनाकर आग लोग लगा कर छोड़ देते आकाश में जाता है, वो कहीं गिर गया, वो सूखी हुई घास है उसमें भी आग पकड़ती है, तो धीरे धीरे वो एक बृहद रूप पकड़ लिया। अभी क्या पूरी तरह से आग शांत नहीं हो पाया है, क्या आप लोगों के लिए किया गया है? फायर ऑफिसर से बात हुआ है, दो गाड़ी दी है, दो गाड़ी डुमराव से भी भेजने की बात हुई है उनसे। वो अभी लगभग जो रूप था 8 बजे का अप्रोक्स में, उसका रूप एकदम लघु हो चुका है। अब आके वो आग जो है लगभग कंट्रोल में हो चुका है, नियंत्रण में। मतलब ये माना जाए कि आपकी सक्रियता से कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना टली। मेरी सक्रियता क्या कि हम तो फायर ऑफिसर को थैंक्स कहेंगे कि जिन्होंने मेरे फ़ोन पर तुरंत रिस्पांस दिया और इतना जल्दी जो है कार्रवाई किए, ताकि हम लोगों को जो TRW एकदम सुरक्षित रहा, जहां से पूरा बक्सर जिला आरा जिला को हम लोग ट्रांसफार्मर सप्लाई कर पाते हैं। अब क्या मानते हैं, थोड़ी सी चूक होती तो कितनी बड़ी घटना हो सकती थी? थोड़ी सी भी विलम्ब होती ना तो हम लोग जो है कि पूरा पावर सिस्टम ही हमारा ठप पड़ जाता। जो हम लोग छोटा छोटा ट्रांसफार्मर 100 kV 200 kV 63 kV ट्रांसफार्मर हम लोग जो दे पाते हैं, उस वर्क में जरूर इसका प्रभाव पड़ता है, कुछ दिनों का डिले जरूर हो जाती है। काफ़ी भयंकर आग थी सर, काफ़ी भयंकर आग थी। इस फायर ऑफिसर का जो है कि बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने क्विक एक्शन लिया। सर नुकसान का आकलन कुछ हुआ है क्या? नुकसान हुआ ही नहीं है, भगवान का शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या जल रहा था सर? अभी ये जो घास है अभी आप कैप्चर कर सकते हैं, घास जल रही है, वो घास तेल भी बताया जा रहा है कि तेल का सीपेज हो सकता है, मे भी हो सकता है, लेकिन बिना विदाउट किसी चिंगारी के आग नहीं लग सकती। धन्यवाद।